युवा और वह भी यूपी के, उनके लिए यह अच्छी खबर है। 10 सितंबर तक 58,000 पंचायत सहायकों की हो जाएगी भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह घोषणा की है। आप जानिए भर्ती से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। ग्राम प्रधानों के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्य भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार के सदस्यों को वरीयता मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 6,000 रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आय के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए यह भर्ती हो सकेगी। भले ही आप यह समझ रहे हों कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर भी यह बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने का ऐलान किया है। 10 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए 30 जुलाई से ही चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको आप समझें। ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए यह भर्ती होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां के लिए उसने आवेदन किया है। पंचायत सहायक 1 साल की संविदा पर रखे जाएंगे। अगर सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार कर उसकी संविदा 1-1 वर्ष करके 2 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। 1 माह की नोटिस पर हटाया भी जा सकता है। SC ST व OBC के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित पंचायत सहायकों को सरकार 2 माह का प्रशिक्षण देगी। और विस्तार से समझें आप, ग्राम सचिवालय के लिए हर पंचायत को मिलेगा 2,25,000 रुपये। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर ग्राम सचिवालय की साज सज्जा और कंप्यूटर के लिए 2,25,000 रुपये मिलेंगे। फर्नीचर, कंप्यूटर व अन्य उपकरणों की खरीद ग्राम पंचायतें अपने स्तर से करेंगी। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें करेंगी। आवश्यकतानुसार डोंगल की खरीद भी उन्हें ही करनी है। ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। BC सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। CCTV कैमरे से लैस होगा यह ग्राम सचिवालय। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि सभी ग्राम सचिवालय में 25 कुर्सियां, 3 ऑफिस या कंप्यूटर मेज, 3 स्टील की अलमारी, सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, 2 दरी, 3 पंखे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, UPS, प्रिंटर व वेबकैम के अलावा 1 CCTV कैमरा स्वीकृत किया गया है। इसमें कुल 1,75,000 रुपये खर्च होंगे। कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को खो दिया है उन्हें दी जाएगी वरीयता। ग्राम पंचायत में यदि किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार से, जैसे पत्नी या पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को सबसे पहले चयनित किया जाएगा। यदि आरक्षण श्रेणी की ग्राम पंचायत है और मृतकों के परिजन उस आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं, साथ ही वे इंटरमीडिएट पास हैं, तो उनका चयन कर लिया जाएगा। ग्राम प्रधानों के रिश्तेदारों को इसमें नहीं मिलेगा मौका। पंचायत सहायकों की नियुक्ति की घोषणा करते हुए पंचायत मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को इसमें नहीं रख पाएंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिन श्रेणी में आरक्षित होंगी उसी श्रेणी के सहायक का चयन किया जाएगा।
अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं वहां अनुसूचित जाति का ही सहायक नियुक्त होगा। आवेदन पत्र सादे कागज पर ग्राम पंचायत या संबंधित विकास खंड या जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता, आय एवं जात संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा। यह यूपी के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर थी। जय हिंद।